हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट कुकिंग बाय फरहीन। आज हम बनाने वाले हैं फिश फ्राई। इस फिश का मैरिनेशन बहुत ही अलग और यमी होगा। हम इसे बहुत ही अलग तरीके से यानी कि विलेज स्टाइल में बनाएंगे। इस तरह के फिश ज़्यादातर हमें विलेज में या फिर गांव में दिखेगी। पहले तो हमें सभी फिश को क्लीन वॉश कर ऐसे कट्स कर देने हैं दोनों साइड से। फिर एक बड़े वेसल में या फिर प्लेट में दही ऐड करना है। उसमें हम स्पाइस पाउडर्स ऐड करेंगे, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, ऑयल 1 कप, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इस पेस्ट को प्रॉन्स में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी फिश को मैरिनेट में यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो इस पेस्ट को फिश करी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस फिश को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे इस पेस्ट में और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको 4 to 5 hours के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे। हमें इसे मैक्सिमम 1 day और मिनिमम 4 to 5 hours के लिए मैरिनेट करना है एंड देन ही हमें इसको फ्राई करना है। अगर हम इसको पूरा 1 day मैरिनेट करेंगे तो इसका टेस्ट और भी यमी और अच्छा होगा। हमें इसी तरह सभी फिश को मैरिनेट कर अच्छे से रख देना है और फिर इसको सेट होने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं हमारी सभी फिश मैरिनेट हो गई है और हम अभी से मैरिनेट करेंगे एंड देन इसको फ्राई करेंगे। हमारी फिश फ्राई करने के लिए रेडी है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे लो टू मीडियम हीट पर गोल्डन ब्राउन होने तक, और फिर इसको सैलेड या फिर कर्ड और रायते के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे दाल और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। Get more recipes like this, subscribe my channel and like my video. Thank you.